आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे हुए, स्वस्थ हुए, मस्त हुए? मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत करने जा रही हूँ सुबह सुबह से। अभी 5 बजे का समय है। मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ठंडा है और हमने भी आज प्रयागराज से आगे की जर्नी शुरू कर दी है रांची के लिए। तो अभी हम सुबह सुबह 5 बजे निकल रहे हैं। नदी के ऊपर शास्त्री सेतु पुल है उसको क्रॉस कर रहे हैं और नीचे गंगा मैया जी बह रहे हैं। हमने सुबह सुबह ही हर्ष की फरमाइश पे लीचियाँ खा ली हैं और मेरे हैंड की हालत हो गई है खराब। अब कहीं गाड़ी रोकेंगे फिर हैंड वॉश करूंगी। हाँ, कुछ फंसा? कैसे फंसा? टूट रहा है दांत? टूट रहा है? बच गया, इनको भी खिलाई, इसको भी खिलाई और अभी बाद में खाएंगे आज। ठीक है, ले इनको रख दे पीछे, यहाँ कहाँ रखूंगी, पीछे रख दो मेरे को, ये रख लेना नीचे। हाँ ठीक है, यहीं पर रख देती हूँ। बहुत ट्रक आ रहे हैं, हम 15 मिनट से ट्रंक में ही उलझे पड़े हैं। शायद यहाँ पे टाइम नहीं होगा ना ट्रक चलने का, है ना? हाँ जी मैम, हमारी साइड तो टाइम है ना। इस वाले रोड में गाड़ियां और बसेस तो दिख ही नहीं रही हैं, बहुत कम गाड़ियां हैं, कहीं जाकर एक दो पर ट्रक चले हुए हैं। हमारी साइड रात को हिमाचल, जैसे दिल्ली टू हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तराखंड, रात के समय ये ट्रक चलते हैं क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ रोड पे बहुत ज़्यादा होती हैं और बसेस भी। यहाँ पे तो ट्रक ही है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग ट्रेन में ही सफ़र करते हैं, इसलिए
पे जाता है, हम ट्रेन में सफर करते हैं ना बेटा, इसलिए रोड पे गाड़ियाँ बहुत कम है कहीं जाकर, और बस इसको दिख ही नहीं रही हैं कहीं भी। ट्रक काले ना, ये तो कुछ खड़ोई भी गेरे के मैं तो रोड़ा पर ही आई। बस बड़ी ग्रां तो कोई मतलब नहीं है बखरी गड्डी आज चल अंदर से। अभी हम यहाँ पे जो है बिहार में एंटर कर रहे हैं, बिहार की सीमा जो है यहाँ से प्रारंभ हो गई है और यूपी को हमने छोड़ दिया है। यूपी में हम परसों शाम को ही 3 बजे एंटर कर गए थे और कल भी पूरा दिन यूपी में ही जर्नी की, लगभग 872 किलोमीटर की दूरी के यूपी में ही तय करने के बाद हम बिहार स्टेट में एंटर किए हैं। सिक्स्थ स्टेट हमारी अब स्टार्ट हो गई हिमाचल से लेके अब तक। सुबह 5 बजे हमने स्टार्ट कर दिया था चलना, तो 8 बजे 3 घंटे की जर्नी के बाद हमने 180 किलोमीटर की दूरी लगभग तय कर ली है और अभी बच गए 400 किलोमीटर। तो आज शाम को हम अपने डेस्टिनी में पहुंच जाएंगे रांची। एरिया वाइज तो शायद सबसे बड़ी स्टेट जो है वो राजस्थान है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज है ना, पॉपुलेशन वाइज यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, लेकिन जहाँ से हमने जर्नी शुरू की है उसमें तो यूपी सबसे बड़ी स्टेट आई, जिससे हमने क्रॉस करने में पूरा 1 डे की जर्नी कंप्लीट की। रात को तो हम रुक गए थे लेकिन दिन में, और अभी सुबह 8 बजे के करीब बिहार में एंटर हुए हैं। छठी स्टेट चल पड़ी हमारी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार। अब साथ में 6 स्टेटें घूम ली आज हमने। ओके ओके, 5 मिनट है सिर्फ। तो अभी हम यहाँ पे कुशवाहा फैमिली ढाबा है, यहाँ पे रुके हुए हैं। 220 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। इस रोड पे ढाबे जल्दी से नहीं मिलते हैं, अभी जाके यही एक मिला है, अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और अर्श को तो गाड़ी करने का काम है, जहाँ रुके नहीं वहाँ लग पड़ा करने। अभी हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब अपनी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम पहुँचने वाले हैं सोन रिवर के ऊपर से जो ब्रिज जाता है उसको क्रॉस करके हम जाएंगे, तो अभी मैं उसका कुछ व्यू आपको दिखाऊंगी। ये जा रहे हैं हम सोन फ्रेंड्स। अभी हम पहुंच चुके हैं हज़ारीबाग में, और हज़ारीबाग में अभी जैसे लंच टाइम हो गया है, 1 बज चुका है, तो अभी हम रुके हैं गीतांजलि रेस्टोरेंट में जो हज़ारीबाग में ही पड़ता है। तो एक बार मैं आपको कुछ व्यू दिखाता हूँ गीतांजलि रेस्टोरेंट का। अंदर का व्यू है रेस्टोरेंट में, सिटिंग अरेंजमेंट है उसका।
और ये हैं व्लॉगर मीनाक्षी जी, ये अपना लंच का ऑर्डर करके बिल्कुल रिलैक्स बैठी हुई हैं, और ये मिस्टर अर्श। आराम से आराम। और ये जो रुद्रांश है ये लंच में फ्रेंच फ्राइज खा रहा है, पता नहीं उस किस तरह की चॉइस है इसकी लंच की, आलू खा खा के थकता नहीं है। अब जो है हम अपने अर्श, अब जो है अब हम अपने नॉर वाले एरिया में पहुंच चुके हैं। यहीं पे पीछे जो था भगवान बिरसा जूलॉजिकल पार्क था, जिसमें हम पहले भी आए थे और जिसका वीडियो मैंने डाला भी हुआ है। तो अभी हमारी जर्नी जो हिमाचल से शुरू हुई थी हमीरपुर से जाके थोड़ी देर में खत्म होने वाली है। ड्राइविंग करके कैसा लग रहा है? तीन दिन लगातार, तीन क्या, पिछले दिन भी ड्राइविंग की थी, चार दिन। टायर्डनेस तो है बट बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन भी है कि इतना लंबा ड्राइव करके हम रांची तक पहुंच गए हैं सेफली। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिवली मोटिवेट कर रही है। फ्रेंड्स, हम 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस बाय रोड कार से पूरी करके हिमाचल से रांची पहुंच गए हैं। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।